ये पांच ऐसी आदतें लड़कियों की जिन पर लड़के जान छिड़कते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लड़के ये देखना चाहते हैं, लड़कियां भी ये देखना चाहती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम में हैं जिनसे लड़के अट्रैक्ट हो जाए, हम पे और ज़्यादा प्यार करे, हमको और ज़्यादा संभाले, रिश्ता और गहरा बने। तो अगर आप में ये पांच आदतें नहीं हैं तो आप डेवलप करना शुरू करें, और अगर है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे साथी को पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी पांच बहुत ही अच्छी लड़कियों की आदतें। उसमें नंबर वन पे कैरिंग नेचर वाली लड़कियाँ। कैरिंग नेचर आखिर किसे नहीं अच्छा लगता है, इसमें एक अपनापन छिपा हुआ होता है। लड़के कैरिंग नेचर वाली लड़कियों पर अपनी जान छिड़कते हैं। जब लड़की अपने पार्टनर से यही पूछती रहती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तबीयत कैसी है, खाना खाया कि नहीं, फिर ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, इस तरह के शब्दों से लड़के के मन में लड़की के लिए बस प्यार ही उमड़ता है। वह उसे सीने से लगाने लेना चाहते हैं। कुछ लड़की ऐसी भी होती है जो अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। वह उन्हें सर्दी जुकाम होने या फिर हल्की सी तबीयत खराब होने पर परेशान हो जाती है। उन्हें अपने हाथों से रोजाना कुछ ना कुछ बनाकर टिफिन में देती है। इस तरह की आदत वाले लड़कियों से लड़के बहुत ही खुश रहते हैं। तो नंबर वन पे बहुत ही अच्छी आदत थी। नंबर दो पे जो लड़कियों की आदत है वो है हंसमुख लड़कियाँ। जो लड़कियाँ अपने हंसमुख स्वभाव से सबको खुश कर देती हैं और माहौल को खुशनुमा बना देती हैं, उन लड़कियों को लड़के सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वास्तव में लड़के लड़कियों के नखरे और बात बात में गुस्सा हो जाने के स्वभाव को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें हमेशा टेंशन रहती है कि जब तक वो अपनी GF को मनाएंगे नहीं तब तक वो उनसे बात नहीं करेगी। ऐसे में हर लड़का एक चंचल और हंसमुख लड़की चाहता है, और इस तरह की लड़कियां पाकर लड़के खुद को खुश नसीब समझते हैं और लड़की को खूब सम्मान देते हैं। नंबर तीन पे जो आदत है वो है अपना काम खुद करने वाले लड़के। ज़्यादातर गर्ल्स अपना काम लड़कों से करवाती हैं, मतलब निकल जाने के बाद फिर उन्हें पूछते भी नहीं है। लेकिन जो लड़की अपना काम खुद करती है, दूसरों की हेल्प करती है और काम करवाने के लिए कहीं भी अपने पापा या भाई को लेकर नहीं जाती, उन लड़कियों की इस हैबिट को लड़के बहुत ही पसंद करते हैं। इस तरह की गर्ल्स की एक अलग क्वालिटी होती है, उन्हें देखकर लगता है कि लाइफ में बहुत ही आगे जाएंगे। लड़के भी अपने हिसाब से ऐसी गर्ल्स को जज कर लेते हैं और चाहते हैं कि ऐसी गर्ल उनकी GF बने। तो ये नंबर तीन पे थी जो अच्छी हैबिट। अब नंबर चार पे जो अच्छी हैबिट है वो है इमोशनल लड़कियाँ। जो गर्ल्स बहुत ही इमोशनल होती है, लड़के उनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं। इमोशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करती है। लड़की अपने पार्टनर से जब कोई बात शेयर करते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका देती है तो लड़का भी उसकी इमोशन की कदर करता है, उसे पूरा सपोर्ट करता है। गर्ल्स जब इमोशनल होती है तो अपने दिल की सारी बात खुलकर कह देती है। लड़कों को बस इसी का इंतज़ार होता है। कई बार लड़की सोचती है कि लड़का उसे खुद प्रपोज करे, लेकिन जब लड़का उसे लंबा इंतज़ार कराता है लड़की इमोशनल हो जाती है, अपने दिल की बात कह डालती है। लड़कियों की यही अदा लड़कों को खूब भाती है। तो नंबर चार पे अच्छी आदत थी। अब आखिरी और नंबर पाँच पे जो लड़कियों की बहुत ही अच्छी आदत है वो है रोमांटिक लड़कियाँ। प्यार में रोमांस खूब सारा भरा हो तो फिर हर तरह की फिक्र दूर हो जाती है। जब लड़की अपने पार्टनर से रोमांच करती है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, उसे प्यार से छेड़ने की कोशिश करती है, तो उसे लड़की की यह आदत बहुत ही अच्छी लगती है। जब पार्टनर का मूड ख़राब होता है या फिर उसका काम अच्छा नहीं चल रहा होता तो रोमांटिक टाइप की लड़कियाँ अपने पार्टनर की सारी प्रॉब्लम भुलवा देती है, खूब प्यार करके तनाव को कम कर देती है। इसके अलावा लड़के रोमांटिक गर्ल्स को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ऐसी लड़कियां तनाव कम लेती हैं और अपने पार्टनर को भी टेंशन फ्री कर देती हैं। तो ये चीज़ें लड़कों को ज़्यादा पसंद आती है। तो ये पांच ऐसी अच्छी आदतें हैं लड़कियों की जिन पर लड़के जान छिड़कते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप लड़की हैं तो इन पाँच में से आप में कौन सी आदत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।